दोस्तों नमस्कार, सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। राजस्थान चुनाव में जीत के लिए एक तरफ जहां बीजेपी जातीय समीकरण को अपने हिसाब से सेट करने में जुटी है, वहीं सत्ता में काबिज कांग्रेस भी हर बार सरकार बदलने का ट्रेंड तोड़ने के लिए वादों और योजनाओं का पिटारा लेकर पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर गई है। 9 दिन पहले राजनीति के जादूगर सीएम गहलोत ने एक ट्वीट कर ओबीसी के लिए 6% अतिरिक्त आरक्षण का जो दांव चला है, उसने तो मोदी शाह तक के पसीने छुड़ा दिए हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या सीएम गहलोत अपने इस दांव से मोदी शाह की सारी चुनावी रणनीति को चारों खाने चित्त कर देंगे? कर सकते हैं, क्योंकि गहलोत राजनीति के जादूगर जो ठहरे। तो आइए हम इस वीडियो में जातिगत जनगणना से लेकर ओबीसी के अतिरिक्त आरक्षण तक के दांव को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। बीते 9 अगस्त का ऐतिहासिक दिन, देर शाम करीब 8:38 पर सीएम गहलोत एक ट्वीट करते हैं। इसमें लिखते हैं, राजस्थान में वर्तमान में जारी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 21% आरक्षण के साथ 6% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा, जो ओबीसी वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्व होगा। ओबीसी वर्ग में अति पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए ओबीसी आयोग द्वारा सर्वे किया जाएगा और आयोग समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट देगा। इससे अति पिछड़ी जातियों को शिक्षा एवं सरकारी क्षेत्र में सेवा के अधिक मौके मिल सकेंगे। एससी एसटी के विभिन्न संगठन भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग लगातार कर रहे हैं। सरकार इस मांग का भी परीक्षण करवा रही है। ईडब्ल्यूएस वर्ग के 10% आरक्षण में राजस्थान सरकार ने अचल संपत्ति की शर्त को हटाया था, जिससे इस वर्ग को भी आरक्षण का लाभ पूरी तरह मिलना सुनिश्चित हो सका। याद करें तो कांग्रेस के कद्दावर नेता और सांसद राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो पूरे देश में ये मैसेज चला गया था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बस फिर क्या था, राजस्थान में भी चुनाव से ठीक पहले सियासत के जादूगर अशोक गहलोत ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। 9 अगस्त को जब राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में पहुंचे थे, तो गहलोत जनसभा के मंच से भी बोल गए, हम चाहेंगे कि आपकी भावना के हिसाब से राजस्थान में जातिगत जनगणना शुरू हो। जाति के आधार पर जिसका जितना हक है उसे मिलेगा, इस प्रकार की सोच को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। गहलोत ने कहा कि विधानसभा में भी पिछले दिनों सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर संकल्प पारित करके केंद्र सरकार को भिजवाया हुआ है। इस संकल्प में केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना करवाने और पुराने आंकड़े को सार्वजनिक करने की भी मांग की गई है। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ जहां बीजेपी जाट, गुर्जर, मीना के साथ ही सवर्ण मतदाताओं के सहारे राजस्थान जीतने की जीतोड़ कोशिश में जुटी है, वहीं अशोक गहलोत ने ओबीसी के लिए अतिरिक्त आरक्षण के एक शानदार दांव से बीजेपी का पूरा गेम ही बिगाड़ दिया है। अशोक गहलोत खुद भी ओबीसी समुदाय से हैं और पीएम मोदी भी कई बार खुद को ओबीसी बता चुके हैं। ऐसे में राजस्थान में संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग कई ओबीसी संगठन करते रहे हैं। बीजेपी भी ओबीसी का मुद्दा उठाकर गहलोत सरकार को घेरती रही है। ऐसे में गहलोत की कोशिश अब ओबीसी के लिए अतिरिक्त आरक्षण और जातिगत जनगणना के दांव से इस समुदाय के बीच कांग्रेस की जमीन मजबूत करने की है। गहलोत ओबीसी वोट की अहमियत जानते हैं और वह ये भी अच्छे से समझते हैं कि आज की तारीख में ओबीसी के लिए बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। ओबीसी के लिए केंद्र में 27% आरक्षण है, तो कई राज्यों में इससे भी अधिक। राजस्थान में ओबीसी आरक्षण की सीमा केंद्र से भी कम थी और इसकी वजह से जो नाराजगी थी उसे कम करने के लिए गहलोत ने ये बड़ा दांव चला है। प्रदेश में अभी एससी को 16%, एसटी को 12%, ओबीसी को 21%, ईडब्ल्यूएस को 10% और एमबीसी को 5% आरक्षण है।
ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 27% करने के बाद राजस्थान में कुल 70% आरक्षण हो जाएगा। बहरहाल इस साल के अंत में ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए कांग्रेस की गहलोत सरकार हर वर्ग को साधने में जुटी है। विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को पहले आदिवासी वर्ग को साधने के लिए मानगढ़ धाम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कार्यक्रम और इसी दिन शाम होते होते सीएम गहलोत का पिछड़े वर्ग को अतिरिक्त आरक्षण देने का ट्वीट वाला ऐलान इस बात का संकेत देने के लिए काफी है कि मोदी शाह नीति बीजेपी की टगर राजस्थान में इस बार बेहद कठिन है। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।